कुछ आ रहे कैमरा चालू करना होता है ना, मुझे कुछ बता दिया, मुझे अंधेरा अंधेरा नजर आ रहा है भाई। अंधेरा ही है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, सच में अंधेरा था भाई। दो गैजेट है और एक तो मैंने यूज कर लिया, पर फिर से उसको वापस बॉक्स में डालेंगे और दोबारा से अनबॉक्सिंग करेंगे। ज्यादा बैग लगवा दी। गाइस, आज हमारे हाथ में आए हैं वेगा के नए ट्रिमर्स। ये एक स्मार्ट ट्रिमर है। वो कैसे, उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। वेगा के स्मार्ट वन सीरीज के ट्रिमर दो वेरिएंट्स में आते हैं, वेगा S1 और S2। वेगा S2 को अभी साइड पर रख लेते हैं, पहले S1 की अनबॉक्सिंग करते हैं। वैसे बॉक्स के ऊपर सारे फीचर्स दे रखे हैं, IPX7 वाटरप्रूफ, 5 मिनट क्विक चार्ज, साथ ही इसमें ट्रैवल लॉक का भी फीचर मिल जाता है, कॉर्ड एंड कॉर्डलेस यूज, 120 मिनट्स का रन टाइम है। इसके अंदर कुछ लव लेटर्स हैं, हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें वैसे ही बहुत प्यार हो गया इससे। ये है असली माल वेगा का ट्रिमर, दिखने में बहुत ही स्टाइलिश है और अपने पैरों पर भी खड़ा हो जाता है, जो कि स्मोकी ब्लैक कलर में है। और मुझे ब्लैक कलर बहुत पसंद है, मेरी गाड़ी भी काली, ये भी काला, और मेरा शर्ट भी काली, और मेरी दाढ़ी भी काली। इसमें एक और एक्स्ट्रा कॉम्ब दिया हुआ है और एक ट्रैवलिंग पाउच दिया हुआ है, टाइप सी चार्जिंग केबल, एक ब्रश और एक लुब्रिकेंट। दोस्तों, जैसे कि आपको पता चल ही गया होगा कि मैं इसे यूज कर चुका हूं, और आप देख सकते हो ये इसी का जादू है। मुझे दाढ़ी छोटे रखने का ही शौक है, और अब तो थोड़ी सी और ज्यादा छोटी कर ली, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। सबसे पहले आते हैं इस जादुई बटन पर, और इसमें आपको मिलते हैं 3 स्पीड मोड, इको, प्रो और मैक्स। अगर लाइट ब्लू कलर है तो मीन्स इको मोड, जिसे आप रेगुलर बियर्ड पर यूज कर सकते हो, और इस मोड पर ज्यादा रन टाइम मिलता है। ग्रीन लाइट मीन्स प्रो मोड, जिससे आप थिक बियर्ड को ट्रिम कर सकते हो। देन अगर डार्क ब्लू कलर है तो मैक्स मोड, जिसे आप लॉन्ग बियर्ड पर यूज कर सकते हो, और इस मोड पर ये ट्रिमर अपनी फुल कैपेसिटी पर काम करेगा, मतलब हैवी ड्यूटी बन जाएगा। और इन्हीं यूनिक सेटिंग्स को याद रखता है इसमें मौजूद स्मार्ट मेमोरी फंक्शन, जिसकी मदद से ट्रिमर याद रखता है कि आपने लास्ट टाइम कौन सा मोड यूज किया था, और अगर नेक्स्ट टाइम जब आप अपनी बियर्ड को ट्रिम करोगे तो उसी मोड पर ये स्टार्ट हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, एक और अच्छी चीज बताऊं, इसके ब्लेड्स टाइटेनियम से बने हुए हैं। टाइटेनियम से टाइटेनिक की याद आ गई, भला वो किससे बना हुआ था। और इस टाइटेनियम के ब्लेड्स को राउंड रखा गया है ताकि आपके कट वट ना लगे, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा स्किन फ्रेंडली बन जाता है। वैसे ज्यादातर मार्केट में स्टेनलेस स्टील के ब्लेड्स वाले ट्रिमर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन इसके अंदर टाइटेनियम ब्लेड्स हैं। दोस्तों, बैटरी चेक करने के लिए इसके अंदर आपको मिलता है डिजिटल डिस्प्ले, और इस प्राइस पॉइंट पर आपको किसी और ब्रांड में ये देखने को नहीं मिलने वाला। अभी प्राइस बताऊंगा तो तोते उड़ जाएंगे, सब्र करो बता दूंगा। चार्जिंग की बात करें तो इसमें आपको क्विक चार्जिंग का स्पोर्ट भी मिलता है विद टाइप सी पोर्ट, और इसे 5 मिनट चार्ज करने से 10 मिनट का रन टाइम मिल जाता है। दोस्तों, इस ट्रिमर की अच्छी बात तो ये है कि ये फुल वॉशेबल है, धो डालो, ये भगवान क्या जुलुम है, आराम से वॉश करो और इसे यूज करो। जब भी आप नेक्स्ट टाइम शावर करने जाओगे तो ये आपको सामने पड़ा हुआ दिखेगा, बिकॉज ऑफ ये अपनी टांगों पर खुद खड़ा हो सकता है, जो कि इसकी लुक में 4 चांद लगाता है। इसमें आपको 2 कॉम्ब अटैचमेंट मिलते हैं विद 40mm लेंथ सेटिंग, एक 10mm वाला और दूसरा 20mm वाला कॉम्ब। इसमें आपको पीछे की साइड रोटेटिंग व्हील देखने को मिल जाता है, जिसकी मदद से आप इसकी लेंथ को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो विद 0.5mm प्रिसीजन गैप। अगर रन टाइम की बात करें तो S1 में आपको मिलता है 120 मिनट्स का रन टाइम, यानी 2 घंटों तक आप ट्रिम कर सकते हो नॉन स्टॉप। बैटरी लाइफ तो गाइस इसकी सच में कमाल की है, मैं यूज कर चुका हूं इसे। अगर आप वीक में 2 बार ट्रिम करते हो और 5-7 मिनट यूज करते हो तो आपके 2 महीने तो कहीं नहीं गए। इसका साइज और ग्रिप काफी हैंडी है, और जो इसका बटन है ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं है और बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं है, जिसके चलते एक्सीडेंटल प्रेस होने की वजह से ये ऑन भी हो सकता है, तो इसका भी खास ख्याल रखा गया है। इसमें आपको ट्रैवल प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है, फॉर एग्जांपल आपके बैग में पड़ा पड़ा कई बार ऐसे बटन दब जाए तो भैया ये चलने लग जाएगा, ये देखो। अगर आप ऐसा नहीं चाहते कि ऐसा हो तो आपको 3 सेकंड तक इसे प्रेस करके रखना है, 1, 2 एंड 3, ये हो गया। अब इसका जैसे मर्जी बटन दबाई रखो, ये नहीं चलने वाला। क्या भाई, क्या फीचर है। अगर इसे फिर से अनलॉक करना है तो इसको फिर से 3 सेकंड प्रेस करके रखना पड़ेगा। लो भाई, चल गया, वाह। बस इसे लॉक करो, पाउच में डालो और रेडी टू गो। और इसकी रबराइज्ड ग्रिप आर्गोनोमिकल डिजाइन में मिलती है, जिससे इसको पकड़ना काफी कंफर्टेबल है, और ट्रिमिंग के वक्त कंफर्टेबल ग्रिप होना सोने पे सुहागा। इस ग्रिप की होने की वजह से बारीक काम करने के लिए भी ये बहुत ही यूजफुल है। अगर नॉइस की बात करें तो काफी कम है। एग्जांपल के लिए, पहले जो मैं ट्रिमर यूज करता था उसका नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन उससे काफी कम नॉइस है, अराउंड 60-70% कम नॉइस है। एक और बोनस की बात बताऊं, इस ट्रिमर को आप चार्जिंग के दौरान भी यूज कर सकते हो। कभी कभी होता है ना कि अर्जेंटली हमें किसी फंक्शन में जाना होता है और दाढ़ी ट्रिम करने
की जरूरत होती है लेकिन आपके ट्रिमर की बैटरी लो होती है, उस केस में ये बहुत ही यूजफुल चीज है। और ट्रिमर को कैरी करने के लिए आपको S1 के साथ बहुत ही गुड लुकिंग ट्रैवल पाउच मिल जाता है। ये सब तो हो गया इसके फीचर्स और इसके पार्ट्स के बारे में, लेकिन इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। यहाँ से तो मैं पहले से ही ट्रिम मार लिया था, इससे वो वाले शॉर्ट्स ले नहीं पाया, लेकिन यहाँ पर जो एक्स्ट्रा बियर्ड थी उसको इसने बहुत ही अच्छी तरह से ट्रिम किया है। गाइस मुझे हर हफ्ते एक बार ही ट्रिमर यूज करने की नीड पड़ती है और इसका स्मार्ट मेमोरी वाला फंक्शन मुझे बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा। हफ्ते बाद कौन याद रखे कि लास्ट टाइम कौन सी सेटिंग पर मैंने चलाया था। और इसकी हैंडलिंग काफी अच्छी है, रबराइज्ड ग्रिप अपना काम बहुत ही अच्छी तरह से कर रही है, काफी कंफर्टेबली मैं इसे यूज कर रहा हूँ। और ब्लेड राउंड है तो भैया काफी स्मूथ ट्रिमिंग एक्सपीरियंस मिलता है, मैं आंख बंद करके भी इसको यूज कर सकता हूँ, पर मैं ऐसा करूंगा नहीं। ये था वेगा का स्मार्ट ट्रिमर S1। अब S2 के बारे में भी आपको बता दूं, इसे भी जल्दी से अनबॉक्स कर लेते हैं। इसमें भी लव लेटर्स, ओके तो इसका भी ये रहा मार्क। वाओ क्या यूनिक कलर है, इट्स अ पर्शियन ब्लू कलर, इसका कलर भी मुझे काफी अच्छा लगा। सारी एक्सेसरीज इसमें सेम ही है, बस पाउच की कमी। फर्स्ट चीज जो इसे S1 से डिफरेंट बनाती है वो ये है कि इसमें डिस्प्ले देखने को नहीं मिलेगी, उसकी जगह आपको ये वाले इंडिकेटर्स देखने को मिल जाएंगे। लेकिन बैटरी रन इसमें आपको 160 मिनट्स तक का मिल जाएगा, एक बार चार्ज करने पर महीनों तक भूल जाओ। बाकी सारे फंक्शन बिल्कुल सेम है, इसमें भी आपको वही 3-speed सेटिंग मिल जाएगी, स्मार्ट मेमोरी फंक्शन, टाइटेनियम ब्लेड, IPX7 वाटरप्रूफिंग, फास्ट टाइप सी चार्जिंग, ट्रैवल लॉक, कोड एंड कोडलेस ऑपरेशन, बिल्कुल सेम है बस डिजिटल डिस्प्ले और इसके कलर को छोड़कर। लेकिन इसमें आपको बैटरी रन टाइम ज्यादा मिलेगा, अगर आप डिस्प्ले ढूंढ रहे हो तो वो आपको S1 में मिल जाएगी। अब इतना सब कुछ बता दिया तो अब प्राइस के बारे में भी बात कर लेते हैं। दोस्तों वेगा के ये दोनों ट्रिमर्स आपको फ्लिपकार्ट पर मिल जाएंगे, वो भी अनबिलीवेबल लॉन्च ऑफर के साथ। स्पेशल लॉन्च ऑफर में S1 आपको मिल जाएगा 1499 में और S2 1399 में, जो कि एक अफोर्डेबल प्राइस है। और मुझे लगता है कि इतने प्राइस में इसके बेनिफिट्स कॉस्ट के मुकाबले ज्यादा हैं, जो किसी दूसरे ब्रांड में देखने को नहीं मिलेंगे, तो डेफिनेटली चेक इट आउट। अब मैं आपको एक और चीज बताता जाऊं, जो वेगा का S1 है इसे मैं रखने वाला हूं अपने शावर में, और S2 को मैं यूज करूंगा अब ट्रैवलिंग के लिए, क्योंकि मेरा ट्रैवल बहुत ज्यादा रहता है और S1 का पाउच तो है ही, जिसके अंदर मैं S2 को डालकर लेके जाऊंगा। ये मेरे खुद के विचार हैं, आप चाहे जो मर्जी कर लो। सो बाय नाउ ऑन फ्लिपकार्ट। बाकी दोनों ही अच्छे हैं, मैं दोनों अपने पर्सनल यूज के लिए रख रहा हूँ और बिल्ड क्वालिटी दोनों की सेम है, बहुत ही तगड़ी। वीडियो बनाते वक्त 3-4 बार गिर गए मेरे हाथ से, क्योंकि टेबल छोटा है। ऐसा नहीं है प्रोफेशनली हमने कोई टेबल लगा लिया, जो हमारे हाथ लगा हमने सीधा वीडियो बना ली। तो गाइस इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मुझे अभी काफी लंबे टूर पर निकलना है और मैं सोच रहा हूँ कौन सा लेके जाऊँ। S2 को ले जाता हूँ। गाड़ी स्टार्ट करो। चाबी कहाँ है?